दोस्तों अगर आपको फोन चलाते समय आपके स्क्रीन पर ऐड आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई हम कोई भी इंस्टाग्राम फेसबुक कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो अचानक से हमारी स्क्रीन पर एक ऐड आ जाता है। तो अगर आपके भी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से भाई साहब ऐड आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लाइव आपके सामने स्क्रीन पर ऐड आ चुका है। तो अगर आपके भी फ़ोन में आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन में देखना है, सभी के ऑलमोस्ट सभी के फ़ोन में ये वाला फीचर्स होता है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपना कंट्रोल नोटिफिकेशन ऑन करना है। यहाँ से जैसे कि आप ऐसे करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन बार या फिर कंट्रोल नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। जब आपको ये वाला आपका ओपन हो जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक ऑप्शन मिल रहा होगा दोस्तों डार्क मोड का। अगर आपके यहाँ पर नहीं आ रहा दोस्तों तो राइट साइड से लेफ्ट साइड ऐसे स्क्रॉल कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन फिर आ जाएंगे। फिर नहीं आया तो फिर से स्क्रॉल करना है, एंड ये वाला ऑप्शन ढूंढ कर आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ऑन कर देना है, ठीक है। आपको ये वाला डार्क मोड या फिर डार्क थीम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पर मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मुझे वहां पर कॉल कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आप यहां पर ये डार्क मोड ऑप्शन कैसे आएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको इस डार्क मोड एप्लीकेशन को ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसको ऑन एक बार कर दोगे आपका जो फ़ोन रहेगा डार्क हो जाएगा, बिल्कुल काला काला हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। जब इस तरह से हो जाए दोस्तों तो आपको क्या करना है, अपने होम स्क्रीन पर आना है, एंड होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपके फ़ोन की सेटिंग, ठीक है, वो आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। बहुत सारे लोग भाई साहब सेटिंग ढूंढ नहीं पाएंगे, सेटिंग को पाने के लिए दोस्तों आप यहाँ से भी सेटिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों के फ़ोन में यहाँ पे आता है, कुछ लोगों के फ़ोन में यहाँ पर आता है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए ना तो आप बेझिझक मेरे पास कॉल कर सकते हो, मैं 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, देखते हो तो फिर ऐड आ चुका है, लाइव भाई साहब आपके सामने ऐड लपालप आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप अपनी सेटिंग को ओपन कर दोगे ना, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स एंड नोटिफिकेशन का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना मिले तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हो या फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पर मेरे फ़ोन में आ रहा है। अगर आपके फ़ोन में गलती से नहीं मिल रहा है भाई, किसी किसी के फ़ोन में अलग होता है, तो सिंपल से आपको कॉल करना है भाई मुझे ना, तो आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों जो आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सी ऑल 55 एप्लीकेशन। दोस्तों बहुत सारे लोगों के फ़ोन में अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 55 है, तो कुछ लोगों के फोन में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑल 55 एप्स, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे एक 313 MB का कुछ इस तरह से दिख रहा है, आपके फ़ोन में कम MB का भी दिख सकता है, ज़्यादा MB का भी दिख सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो ऐड आते हैं एक तरफ से ये वायरस की तरह से आते हैं, और यहाँ पे तो ये एक वायरस है, ठीक है, ये आपके फ़ोन में है बट आपको दिखेगा नहीं, ये वो वायरस है, देखते हो यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग ये डार्क मोड ऑन नहीं करोगे तो भाई साहब आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला जो एप्लीकेशन है ना डार्क मोड लगाकर ही सेटिंग पर आना है, तभी आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अनइंस्टॉल पे इसे क्लिक कर देना एंड ओके पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही आप ये वाला एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दोगे भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके मोबाइल पर कभी भी ज़िंदगी में ऐड नहीं आएगा। अगर आपके फ़ोन में अभी भी ऐड आ रहा है तो भाई साहब आप मेरे चैनल को रिपोर्ट मार सकते हो, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो गाइस चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।